बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। और आज की रेसिपी 100% श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, ज़बरदस्त किस्म की बनेगी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पॉपकॉर्न फ्राइज़, बहुत ही डिलीशियस। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि पोटैटो पॉपकॉर्न फ्राइज़ जो है वो किस तरह से बनेंगी, तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए आपने इसको देखना है लास्ट तक, क्योंकि आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हमने ले लिया है 4 अदद आलू, थोड़े से बड़े और मोटे साइज़ के हमने पोटैटोज़ लेने हैं इस रेसिपी के लिए। इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले तो हमने इसके दोनों साइड्स के कॉर्नर्स जो हैं इनको उतार देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे इसको भी, इसको भी हम बाद में इस्तेमाल में ले आएंगे। तो इसके बाद हमने इसकी सेंटर में से इस तरह कटिंग करेंगे और इसके बाद इस तरह, एंड देन सेकंड कट हम इस तरह लगाएंगे और फिर इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसकी क्यूब की शेप बन जाएगी, ठीक है जी। बाकी के जो पोटैटोज़ हैं उनकी भी हमने सेम इसी वे में कटिंग करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसको रेडी करना है और इजी सा तरीका है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान से तरीके के साथ हमने इसकी इस वे में कटिंग कर लेनी है सारे पोटैटोज़ की। और इसके बाद फिर हमने इसको वॉश करने के लिए एक बाउल में लेना है पानी और फिर उसके अंदर हमने इनको ऐड कर देना है पोटैटो पॉपकॉर्न्स को। इसको रख देना है हाफ आवर के लिए। आधे घंटे के बाद ये देखें जी पानी को हमने कर लिया है चेंज और इसको अब हमने करना है बॉयल। बॉयलिंग के लिए तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है मैंने वॉक में और इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून साल्ट और साथ ही इसमें धुले हुए जो पोटैटो पॉपकॉर्न्स हैं उनको शामिल कर देंगे हम। और इसको अब हमने बॉईल करना है तकरीबन 5 मिनट, फुल बॉईल नहीं करना, इसको हम हाफ बॉईल करेंगे। तकरीबन 60% हमने इसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद इसको हमने स्ट्रेन करके तो निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। ये देखिए जी इसको अब हम रखेंगे ठंडा करने के लिए। बाकी के पोटैटोज़ जो हैं इनको भी निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ कॉर्नफ्लोर। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और कोई भी इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे हम। नमक जो है वो हम ऑलरेडी बॉयल करते हुए ऐड कर चुके हैं, तो अब इसके अंदर जस्ट हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इस तरह से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सारे पोटैटोज़ पे ये अच्छी तरह से लग जाए कॉर्नफ्लोर। ये देखें नीचे वाले जो पोटैटोज़ हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं एंड विद द सेम प्रोसेस हमने इसको भी इसी तरह से अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब हमने करना है इसको फ्राई। कुकिंग ऑयल लिया है जस्ट एंड जस्ट 2 टेबलस्पून, बिल्कुल भी ज़्यादा कुकिंग ऑयल की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, कोई हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बिल्कुल इसको हमने लाइट से ऑयल के अंदर इस तरह से रेडी करना है कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। तो इसको हमने इसमें जस्ट मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और ऐड करने के बाद इसमें हमने पोटैटो पॉपकॉर्न्स का ऐड कर दिया है और अब हमने इसको इसी तरह से रेडी करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम। ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है और इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से इसकी जो है इसमें कलर जो है शेड जो है लाइट ब्राउन वो सारे पोटैटो पॉपकॉर्न्स के ऊपर आ जाए। कुछ इस किस्म की हमें शेड चाहिए लाइट ब्राउनिश टाइप। इसको अब निकाल लेंगे प्लेट में और मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। सो सर्विंग करने के लिए हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है सबसे पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, एंड रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला, ऑप्शनल है ये दोनों चीज़ें।
अगर आप इसके बगैर इसको सर्व करना चाहते हैं तो इसके बगैर भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाइट सा इसका टेस्ट बनेगा। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे और आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि आप यही रेसिपी उनको बना कर दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ हमने पोटैटो पॉपकॉर्न्स को रेडी किया है। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त थी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी। सो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नहीं होने वाली वीडियोज़ जो है आप तक साथ ही साथ पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।